नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज मैं बना रही हूँ मूंग दाल के डोसे और पुदीने की चटनी। तो कल रात को ही बना के पापा पुदीना लेकर आए थे, तो बोला कि इसकी चटनी बनाना और डोसे बनाना, तो वही मैं आज बना रही हूँ। बच्चे स्कूल गए हुए हैं और वन्ना के पापा काम करें, नीचे दुकान पर खाना खाने के लिए आते हैं घर पे। तो चलिए हम डोसा बनाते हैं, मूंग दाल के बहुत ही टेस्टी बनते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये है पुदीना, एकदम ताजा पुदीना है, तो इसको हम पहले अच्छे से धो लेते हैं। दोस्तों अच्छे से मैंने धो लिया पुदीना को, तो इसके जो पत्ते पत्ते हैं वो अलग कर देंगे हम पहले। तो देखिए जैसे कि ये है, इसके हम इस तरीके से पत्ते तोड़ देंगे। दोस्तों कुछ लोग पूछते हैं, कई बार कमेंट कर दिया है कि आप प्रेग्नेंट हो क्या। तो मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, बस मैं थोड़ी सी मोटी हो गई हूँ, क्योंकि मैं वीडियो बनाती हूँ और नई नई डिश बनाती हूँ, उसे खाते हैं हम। तो शहर में आने के बाद थोड़ी सी मोटी हो गई हूँ, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों ये एक कटोरी मूंग की दाल और आधी कटोरी चावल मैं सुबह जल्दी ही भिगो के छोड़ रही हूँ। इसमें डालकर अच्छे से धोकर इसे भिगो के छोड़ देंगे हम। दोस्तों गैस चालू करके मैंने कढ़ाई के अंदर तेल गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। तेल गर्म हो चुका है तो मैंने इसमें जीरा डाल दिया है और आधी चम्मच हम इसके अंदर सौंफ भी डाल देंगे। एक चम्मच इसके अंदर चना दाल डाल देंगे और ये लहसुन छीलकर मैंने इसको काट लिया है बड़े बड़े टुकड़ों में, ये देखिए चाकू से। अब हम इसके अंदर ये लहसुन डाल देंगे। और ये प्याज भी इसमें हम दो हरी मिर्च डाल देंगे, इन्हें भी अच्छे से पका लेंगे। अब हम इसमें एक चम्मच नमक डाल देंगे, एक छोटी चम्मच है। दोस्तों आप गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसे मिक्सी में पीसेंगे। दोस्तों ये चावल और दाल मैंने सुबह भिगो के छोड़े थे, अच्छे से भीग चुके हैं, तो अब हम इसे मिक्सी में पीसेंगे। दोस्तों अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर पी सकते हैं, थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे पीस लेंगे। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। दोस्तों दाल और चावल मैंने पीस लिए हैं और एक अलग बर्तन में रख दिए हैं। उसके बाद मैंने मिक्सी के अंदर जो हमने प्याज और लहसुन की चटनी सी बनाई थी वो इसके अंदर डाल ली है। उसके ऊपर मैंने पुदीने के पत्ते जो हमने तोड़े थे वो डाल दिए हैं और उसके बाद हम इसे पीस रहे हैं। वो वीडियो थोड़ा सा मेरा बना ही नहीं था, मैंने स्टार्ट करना ही भूल गई थी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इसके अंदर वो प्याज वाली चटनी है और ये पत्ते हैं, तो इन सबको हम मिलाकर पीस लेंगे।
तो दोस्तों ये तैयार है पुदीने की चटनी। दोस्तों ये बैटर हमारा तैयार है मूंग दाल का और चावल का। अब हम इसके अंदर नमक डाल देंगे, आधी चम्मच नमक डाल देंगे इसके अंदर। और अगर आपके पास हरा धनिया हो वो डाल सकते हैं, या फिर आपके पास ये कसूरी मेथी हो वो भी डाल सकते हैं। ये इसके अंदर हम डाल देंगे। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे और डोसा का जो बैटर है वो इस तरीके का होना चाहिए। ये देखिए इस तरीके का। दोस्तों पहले हम तो के ऊपर घी लगा देंगे और फिर उसके बाद और इसको इस तरीके से घुमाते हुए हम तो के ऊपर फैला देंगे। जितना छोटा बड़ा हम करना चाहें उतना कर सकते हैं। अब हम इसके चारों ओर थोड़ा थोड़ा घी लगा देंगे और इसके ऊपर भी थोड़ा घी लगा देंगे। अब हम इसको पलट देंगे। पलटने के बाद भी हम इसमें थोड़ा थोड़ा घी लगा देंगे। अब ये अच्छे से पक चुका है तो हम इसे इस तरीके से करके उतार लेंगे। ये देखिए हमारा मसाला डोसा बनकर तैयार है। दोस्तों कुछ लोग डोसे को एक तरफ से सेकते हैं लेकिन मैं दोनों तरफ से सेकती हूँ। दोस्तों डोसा बनाना वैसे तो बहुत आसान है, बस इतना ही ध्यान रखना पड़ता है, एक तो बैटर आपका अच्छा हो और एक आपकी जो ये तो है उसको थोड़ा सा ठंडा करना पड़ता है अगला डोसा बनाने के लिए, उसके बाद वापिस गैस को फुल करके इसको गर्म करना पड़ता है, इसका ध्यान रखना पड़ता है। दोस्तों ये तैयार है मूंग दाल के डोसे और ये पुदीने की चटनी। दोस्तों बच्चे अभी स्कूल में हैं और वंदना के पापा के भी काम आया हुआ है इसलिए वो खाना अभी नहीं खाएंगे, तो अभी मैं अकेली ही खाना खा रही हूँ। दोस्तों डोसा बहुत ही अच्छे बने हैं और चटनी भी। हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों दोनों वंदना और कल्पना स्कूल जाकर आ गई हैं और उसके बाद इन्होंने ट्यूशन में भी पढ़ लिया है, मैम आती है घर पे पढ़ाने के लिए और उसके बाद ये छत पर जाकर एक घंटा खेल कर भी आ गई हैं। खेलती हैं एक घंटा और फिर उसके बाद ये अपना होमवर्क पूरा कर रही हैं। ये देखिए स्कूल का और ट्यूशन का होमवर्क ये दोनों अभी कम्प्लीट करके ही छोड़ेंगी शाम को सोने से पहले, अपना पूरा होमवर्क करके छोड़ती हैं, उसके बाद सुबह इनको कुछ नहीं करना होता है, ओनली तैयार होकर स्कूल जाती हैं।